हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू फ्री स्पीच। तो राइट टू फ्री स्पीच अपना कहाँ से आता है? आर्टिकल 19 से आता है। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन फ्राइडे सेड द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI मे बी राइट और रॉन्ग इन इट्स रिपोर्ट अबाउट पार्टीशन मीडिया कवरेज ऑफ द मणिपुर वायलेंस, बट इट हैज़ राइट टू फ्री स्पीच टू पुट फोर्थ इट्स व्यू इन प्रिंट। तो ये बोला कि ये सही है गलत है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, पर राइट टू स्पीच तो है उन लोगों के पास। उन लोगों के पास क्या, ऑब्वियसली सबके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देते हैं। द कंप्लेन विच लेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कह रहा हूँ, FIR अगेंस्ट सीनियर जर्नलिस्ट द मेंबर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द EGI। EGI आपका क्या है? यही है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। डिड नॉट कंटेन इवन अ विस्पर ऑफ द ऑफेंस एलेज अगेंस्ट देम, द चीफ जस्टिस सेड। द बेंच गेव द कंप्लेन 2 वीक टू गिव एन एफिडेविट प्रोवाइडिंग रीजन वाई द FIR अगेंस्ट द EGI प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफ़ा एंड सीनियर जर्नलिस्ट सीमा गुहा, भारत भूषण एंड संजय कपूर शुड नॉट बी क्वेश्ड बाय द टॉप कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ग्रिल्स कंप्लेन। देखते हैं क्या है। Tells us how any of these offences are made out of from their report. Show us how Section 153A, ये important है, of IPC, Indian Penal Code, promoting enmity between different groups. तो ये 153 लगता है जब आप दो के बीच में झगड़ा करवाओ, लड़ाई करवाओ, एनिमी बनाओ लोगों को, वो is made out. What is happening? They का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं EGI को। दे आर इंटाइटल्ड टू पुट फोर्थ देयर व्यू। दिस इज जस्ट रिपोर्ट। वेयर डिड यू गेट ऑल दीज ऑफेंसेस फ्रॉम? सेक्शन 153A, ये वही सेक्शन एनिमिटी वाला। यू हैव सेड दे हैव ऑफेंडेड अंडर सेक्शन 200 IPC। इस अब 200 IPC क्या है, देखिए, गिविंग फॉल्स डिक्लेरेशन टू द कोर्ट, मतलब कोर्ट को गलत सही बताना। वेयर डिड दे गिव अ डिक्लेरेशन टू द कोर्ट, कहाँ दिया उन्होंने डिक्लेरेशन, पूछ रहे हैं। हाउ इज सेक्शन 200 इम्प्लीकेटेड है, यहाँ पे कहाँ से इम्प्लीकेट हुआ, क्योंकि डिक्लेरेशन तो आया नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ग्रिल दी कंप्लेन। चंद्रचूड़ जी ने ये पूछा उन लोगों से। तो आप ये देख रहे हो, वो चीज अगेंस्ट गवर्नमेंट के बोली जाए चाहे फेवर गवर्नमेंट बोली जाए, कोर्ट अपना काम, DY चंद्रचूड़ अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहा है, वो नहीं देख रहे। इसका मतलब ये दिखा रहे हैं उनका बेंट ऑफ माइंड किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। ये मुझको बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। द कोर्ट विच हैड इनिशियली सजेस्टेड शिफ्टिंग द FIR टू दिल्ली appeared an empty when the complaint repeatedly referred to the damage done by the EGI in Manipur by its report. Since you raised the issue, tell us first about how many these offences are made out. File an affidavit. Tell us why the complaint and the FIR should not be quashed. मतलब बताओ कि इस FIR को मैं खत्म क्यों ना करूँ, ऐसा क्या इसमें मतलब गलत है। द आर्मी रोट टू द EGI saying there was a partition reporting between done in Manipur. The EGI sends a team of senior journalists to the ground to intervene and find out. आर्मी ने ऐसा बताया, इन्होंने सीनियर टीम भेजी, जाके देखो क्या सही में पार्टीशन जैसा कुछ हो रहा है। दे माइट बी राइट और रॉन्ग, डेट इज़ वॉट फ्री स्पीच इज ऑल अबाउट। तो ये चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं अपने कि वो गलत है सही है, वो एक बिल्कुल सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी बात क्या है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास राइट है, वो जो बोले उसको देखना गलत सही वो हमारा काम है, पर वो कह तो सकते हैं ना, तो इसमें इनके ऊपर केस कहाँ से बनता है, ये बात हो रही है। मिस्टर कृष्ण कुमार सजेस्टेड दैट हिज क्लाइंट वुड विदड्रॉ देयर कंप्लेन प्रोवाइडेड दैट EGI विथड्रू इट्स रिपोर्ट। तो इनका ये कहना है कंप्लेन तभी हटेगा जब ये रिपोर्ट हटेगी। ही फाइनली अग्रीड टू फाइल एन एफिडेविट इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस बोले थे मुझको दिखाओ एफिडेविट फाइल करके कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान फॉर द EGI एंड द जर्नलिस्ट सेड दैट काउंटर व्यूज तो दी रिपोर्ट हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द सेम वेब फॉर द एडिटर बॉडी अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। तो काउंटर व्यू भी आ चुका है सीकिंग ट्रांसफर। अब देखिए ट्रांसफर की क्या बात हो रही है, वो रिपोर्ट की जो यहाँ पे बात हो रही थी दिल्ली में भेजेंगे। मिस्टर डिवान सेड दैट द मणिपुर हाई कोर्ट हैड एंड ऑलरेडी एंटरटेन्ड PIL अगेंस्ट द EGI। तो ऑलरेडी वहाँ पे PIL चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है आपका, एंड एंड सॉट दैट द केस बी ट्रांसफर टू दिल्ली। तो मतलब हो रहा है PIL चल रहा है, बुला जाकर दिल्ली ट्रांसफर करो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू शिफ्टिंग ऑफ द केस टू दिल्ली बट ऑल्सो अर्ज द कोर्ट नॉट टू ओपन इट्स क्वेश्चन ज्यूरिसडिक्शन।
मतलब वो तो मना कर रहे नहीं होना चाहिए. एट वन पॉइंट मिस्टर मेहता चेंज टैक टू लेट द केस गो टू दिल्ली हाई कोर्ट, लेट अस नॉट ट्रेवल दैट क्वेश्चनिंग पाथ. तो मतलब ये मतलब देखो थोड़ा टसल तो चल रहा है, तो इसमें सिंपल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है वो देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. देखिए सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्री स्पीच. ये अपने को कहाँ मिलता है आप देखिए, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अपने को ये फ्री स्पीच मिलता है. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपने को आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मिलता है. तो देखिए ये चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो डीवाई चंद्रचूड़ जी अपने चीफ जस्टिस है, ये हम लोग को बताते हैं कि भाई कोई बोल तो सकता है कुछ भी, और वो उनकी स्पीच राइट है या रॉन्ग है ये बाद में देखी जाएगी. पर किसी के बोलने के ऊपर तो केस नहीं हो सकता ना. अब मेरा मन कर रहा है मैं किसी को कुछ बोलूं और वो मेरे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है, मैं उसमें किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी ये सब नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें ठीक है यहाँ पे कि ये नॉर्मल सी बात है कि सिर्फ फ्री स्पीच राइट टू स्पीच है. और दूसरा देखिए, अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है सेक्शन 153A ऑफ IPC. तो यहाँ पे हो जाता है एनिमिटी बिटवीन ग्रुप, एनिमिटी बिटवीन ग्रुप ये जहाँ पे उठाया जाएगा ये सेक्शन, ये लगता है. एक होता है सेक्शन 200, सेक्शन 200 है इसमें कोई वो नहीं है, डायरेक्ट IPC का सब क्लॉज नहीं है. ये होता है जब कोर्ट को आप देखो फॉल्स डिक्लेरेशन दो, तो फॉल्स डिक्लेरेशन आप दो किसको, कोर्ट को दो. तो यहाँ पे ये दो सेक्शन आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, कहीं पे आपको नोट डाउन करना हो आप ये देख सकते हैं, IPC के दो सेक्शन और ये दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देता है. डीवाई चंद्रचूड़ जी की भी बात आप देखिएगा थोड़ा क्या है. और यहाँ पे आप देखिए PIL इम्पोर्टेंट हो जाता है कि PIL क्या है आपको पता होना चाहिए. एंड इसके बाद इस केस में हमारे लिए एज सच कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है. सो थैंक यू गाइस, आपके पास फ्री स्पीच है, मेरे पास भी फ्री स्पीच है, पर उसका अच्छे से यूज़ करिए, गाली गलौज मत करिए. गाली देना है तो उसके लिए पाकिस्तान चाइना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.